نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم اللؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم موزز سامعين ونازرين الحمد لله تعالى अल्लाह जल्ला मजलहू का शुक्र है जिसकी तोफ़ीक से हम इस्लाम के दीन रहमत व शफ़त होने के मौजू पर इस्लाम के दीन अमन व महबत होने के मौजू पर और इस्लाम के दिन ख़ैर व सहूलत होने के मौजू पर एक सिलसिलावार गुफ्तु कर रहे हैं पिछली चंद नशस्तों से हम क़ुरानी मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अल्लाह तसलम की रोशनी में हुजूर नबी अक्रम सल्ह तसल्म की रहमत के और शफ़कत के मुख्तलफ़ मज़ाहर का मताल कर रहे हैं कुरान मजीद ने आपको रहमतमीन डिक्लेयर कर दिया इससे कबल हम अल्लाह जल्महू के रब्बालमीन होने के जिमन में उसकी रहमत व शफ़क़त के जो मज़ाहिर थे उसकी मखलूक पर बहुत सी नशस्तों में हमने तसलसल के साथ उसका मताल किया कुरान मजीद से और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर हमने इस्लाम के बतौर दीन उसकी रहमत और मुसलमानों पर उसकी शफ़क़त और उसके दीन अम और दिन ख़ैर और दिन सहूलत होने के मौजू पर कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्ला वसल्लम का मताल किया और अब तीसरे स्टेप पर हम हुजूर सलाम के रहमतुल्आलमीन होने तो के हवाले से आपकी रहमत वासे आह इसके मख्तलिफ़ मजाहिर, मुख्तफ़ फॉर्म्स, मख्तलिफ़ मैनीफ़्टेस और उसकी मुख्तल शक्लों का मताल कर रहे हैं आज की गुफ्तु भी उसी सिलसिले में एक कड़ी की हैसियत रखती अभी मैंने जो आया है करीमा तिलावत की यह सूर की आयत नंबर एक सौ तैतालीस वन फोटी थ्री है इसमें भी हजूरतम की उम्मत के लिए रहमत व शफकत के एक मज़हर का बयान है इशात फरमाया गया कि ए उम्मत मुस्लिम इसी तरह तुम्हें उम्मत वसत बनाया गया यानी मॉडरेट उम्मत बनाया गया बैलेंस्ड उम्मत बनाया गया और लीडिंग रोल प्ले करने वाली क़्यादत का फ़रीज़ा अंजाम देने वाली उम्मत बनाया गया मगर इसका जो लीडिंग रोल है उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर क़्यादत है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वासा तन वसत दरमियान में चलने वाली इस अमर की तरफ़ इशारा कर दिया कि उम्मत मुसलिमा क़ियादत भी तभी कर सकती है अगर उसका किरदार अतदाल और तोज़न पर बैलेंस और टॉलरेंस और मॉड्रेसन पर मबनी होगा ये बयान करके फरमाया तभी ले तकून शुहदा ताकि तुम आलमान इंसानियत पर गवाह बन सको और रसूल अक्रम सम तुम्हारे ऊपर गवाह हूँ, तुम्हारे ऊपर शाहिद हूँ। अब आक सलाम उम्मत पर शहीद किस तरह हैं पूरी उम्मत पर आपका शहीद होना यह भी हज़ूर सलाम की अज़ीम रहमत का एक मजहर और इस्लाम की रहमत का एक एस्पेक्ट है उस बाब में आज मैं सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस कोट कर रहा हूँ जिसे हज़रत अबा बिन आमिर रजील् तैन ने रिवायत किया है हज़ूर सलील एक रोज़ सहब कराम के साथ उन्हें साथ लेकर अखबा बिन आमिर रजील् तैन फ़रमाते हैं शुहदा उहद के मुक़ाम पर तशरीफ ले गए वो मुक़ाम जो मदीना तयबा से कमो बेश दो मील बाहर है जहाँ गजब उहद पेश आया था और हज़रत सैदना सैदुल शुहदा अमीर हमजा भी तबी जहामदफ़ून हैं, दीगर शुहदए उद के साथ तो आप फरमाते हैं कि आकलात वसलाम सिहबा कराम को साथ लेकर मदीना तय्यबा से निकले शहदाए उहद की ज्यारत के लिए उस मुकाम पर पहुँचे और उन पर जाके आपने दुआ फरमाई अब इसके दोनों माना बयान किए गए हैं कि आपने नमाज़ पढ़ी दोबारा उन पर जैसे मैत पर पढ़ी जाती है और एक माना यह भी है कि अमवा पर जिस तरह दुआ की जाती है तो उनके हक़ में आकलम ने उनकी कबूर पर जाके दोबारा दुआ की ये बात नशीन रहे कि आकलाम का ये तमाम कसरत के साथ सिहबा कराम के ग्रोह को साथ लेके शहदायहद के, के मज़ारात पे जाना ये बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़ा हदीस से साबित हो गया इस ये वाक़ा आकल इस्लाम की हयात तैयब के आखिरी साल में पेश आया इससे साल बाद इस्लाम का विसाल हो गया जिससे मालूम होता है कि ये नौ हिजरी के अवाखिर में नौ हिजरी का वाक़ा है उसके अविर में सन नौ हिजरी का दूसरी बात यह इस्टेब्लिश होती है ये बरसबील तस्करा ये बात आ गई है जुमला मतरज़ा के तौर पर कि इनफ़रादी तौर पर तो हज़र असलाम हर हफ़्ते जन्नतबी मजारात की ज़्यारत के लिए उन कबूर को देखने के लिए और वहाँ जाकर उनके हक़ में दुआ करने के लिए तशरीफ़ ले ही जाते थे आपके इस अमल से सही बुखारी सही मुसलम और सियासत और दीगर कुतुब हदीस के अबाब मामूर हैं कसरत के साथ ये आदि से सयाह आई हैं और आपके अमल से मुसलसल अमल से ये बात साबित है कबूर और मज़ारात की ज्यारत के लिए जाना उम्रम आयशा सिदीका रजी अल्लाह खुद रावी हैं हदीस की ये बात तो अनडिसप्यूट है बग़ैर किसी इख्तलाफ के सही हैन में और कुतुब हदीस में कसरत के साथ इस्लाम के इस अमल का ज़िक्र आया है मगर ये हदीस जो आज मुतफ़ अल है ये भी सही बुखारी और मुस्लिम की जो आज मैं पढ़ रहा हूँ इससे ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि इजतमाही तौर पर बहुत से सहब कराम को साथ लेकर इज्तमाही तौर पर मज़ारत पर जाना किसी मज़ार पर वो व उहद पे के मजारात पे आकर इस्लाम गए और बहुत से सिहब कराम को साथ लेकर तो वहाँ इजतमा करना इकट्ठे होना मिल कर दुआ करना ये अमल भी हज़ूर असलम की सुनत तयबा साबित है आदमी मजारात पर ज्यारत के लिए तनहा जाए या इजतमा हो और भी लोग क़ीर तदाद में जमा और दुआ करें तो ये हज़ूर सलातम की और सिहब कराम की सुनत है तो जब आपने वहाँ दुआ फरमा दी शुहदाए उहद पर सुन साराफाईल मम्बर फिर वहाँ मम्बर रखा गया आकाल आ सलाम के लिए यह हदीस के अल्फाज हैं तो आप पलटे और मम्बर पर क्याम फरमा हुए अब साफ ज़ाहिर है कि शुहदा उहद जहाँ उनकी कबूर और मज़ारात थी वहाँ पर कोई मम्बर पहले से तो मौजूद नहीं था ये बात एक यानी अक्ल में आती है ये क्यास की बात है अगर एक आदमी इसको कॉमन सेंस के साथ सोचे तो खुद ब खुद इस नतीजे पर पहुंचेगा। वो उस वक्त मस्जिद तो नहीं थी और न वहाँ कोई मिंबर था न वहाँ जलसे होते थे मज़ारात थे शहदा के तो आकलात असलम सिहब कराम को लेकर इज्तमाही तौर पर वहाँ तशरीफ़ ले गए ज्यारत की उनको देखा और दुआ फरमाई मम्बर वहाँ कहाँ से आ गया लाह आकलात असलम के हुक्म पर वहाँ मम्बर रखने का इंतज़ाम किया गया था जब मंबर पे क्या फ़रमा हुए तो हज़ूर सल्लाम ने खिताब फरमाया तो गोया मजारात की ज़्यारत करना वहाँ इजतम मनद करना और वहाँ खिताब करना ये अमल भी हज़ूर सल्ला तसलम की सुन्नत बन गया और कराम का उर्स जो होता है जहाँ इज्तम होता है लोग वहाँ जमा होते हैं कुरानी मजीद की तिलावत करते हैं मज़ार की ज़्यारत करते हैं अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं उनकी बुलंदी है दर्जात के लिए भी और अल्लाह के हजूर अपने लिए भी दुआ करते हैं और वहाँ बरकत होती है उस जगह पर लेते हैं फिर वहाँ तिलावत होती है नात होती है खिताब होता है ये जो अमल है इस पूरे अमल की असल सही है बुखारी मुस्लिम की मुतफ़ अल हदीस से और आका की सुनत से सबित है तो आप मम्बर पर क़्याम फरमा हुए और आपने ख़िताब फ़रमाया फ़काल इन्नी फ़रतल आकल सलाम ने छः बातें कही उस खिताब में पहला फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए फ़रत हूँ और फ़रत का माना है कि तुमसे पहले जा रहा हूँ ताकि तुम, तुम जब आओ तो मैं तुमसे पहले इसलिए रुखसत हो रहा हूँ कि ताकि मैं अपनी उम्मत के लिए और तुम, तुम्हारे लिए वहाँ जाकर तुम्हारी बख्शिश तुम्हारी शफात जन्नत में तुम्हारे ठहरने के ठिकाने और अगले अहवाल जो क़यामत के और आखरत के हैं उनको तुम्हारे लिए आसान करने के इंतज़ाम जाकर करूँ और तुम्हारे लिए मामल को संवारूँ इसलिए मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ ताकि बंदोबस्त करूँ तुम्हारी आमद से पहले तुम्हारा इंतज़ाम करूँ तुम्हारे लिए सहूलत और खैर पैदा करूँ तो इस मकसद के लिए आगे जाने वाला उसको फ़रत कहते हैं और दूसरा माना इसको हाफिज़ इराकी ने बयान किया है अपनी किताब तरह तसरीब में और कुतुब लुगत में और शुरू हदीस में जितने हदीस नबवी की सई बुखारी पर जितनी कुतुब आई हैं ख़ा इमाम अस्कलानी की बारी है इमाम कुस्तलानी की इरशादारी है इमाम ऐनी की उम्दत है और दीगर कुतुब हदीस या सही मुस्लिम की इमाम मुस्लिम की शरह़ है काज़ी एयास की शरह इकमालम जितनी कुतुब हैं वो तमाम कुतुब में ये मानी मिलते हैं दूसरा मान ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर फरत हूँ मतलब ये है कि मैं तुम्हारे आमाल पर इस ज़िंदगी में भी गवाह था और अब मैं आगे भी जा रहा हूँ और मैं आगे जा कर अगली आखिरत में भी तुम्हारे अमाल पर गवाह रहूँगा तुम्हारे आमाल गोया मुझ पर पेश किए जाते रहेंगे मैं उन पर निगाह रखूँगा और इसका मतलब ये है गोया आगे जाकर भी मैं तुम ही में बाकी रहूँगा ये ना समझना कि मैं तुमसे रुखसत हो गया जुदा हो गया नहीं मैं तुमसे आगे जाकर भी तुम्हारे अंदर मौजूद रहूँगा तो ये माना बनता है ये जो हदीस के अल्फाज हैं जिसको मैंने कोट किया इसको भी इमाम इराकी ने तरह तसरीब में बयान किया फ़क्न फ़ी हिम लम य तकदम गोया आकल वसलाम ये माना फ़र्त का भी है कि गोया आगे गए ही नहीं जुदा ही नहीं हुए वो आकल इस्लाम विशाल फरमा कर भी उम्मत के अंदर ही बाकी और मौजूद हैं ये माना फ़रत का है और मैं बाद में भी इसलिए बाकी रहूँगा तुम्हारे ताकि दुनिया की के साथ तुम्हारी आखरत के अमाल का भी मुशाह कर सकूँ तो अल्लाह तबारा का वाली ने यह माना व यकून रसूल आलैकम शहीदा तो इस तरह फ़रत के अंदर शफात करने और आखरत के लिए बख्शिश का सामान तैयार करने का माना भी पाया जाता है और उम्मत के अमाल पर गवाह होने शहीद होने का माना भी पाया जाता है तो गयाल फ़रद का जो जफ्ज़ है वो जामे है आक इस्लाम की दो सिफतों का शफी भी हैं फरत होने के नाते और शहीद भी हैं उम्मत पर वह कमर रसूल आलकम शहीदा तो ये पहली बात फरमाई मेरा तुम्हारा तुमसे आगे जाना भी तुम्हारे लिए खैर है फिर दूसरी बात आपने शायद सुनवा शहीद तो अब शहीद उनको चूंकि अलग बयान किया तो पहला माना फरतम का मतलब इसका इशारा ज्यादातर होगा इस्लाम का जो शफी होना शाफ होना शाफ उलम्मा होना कि मैं आगे जाता हूं ताकि तुम्हारी शफात का इंतजाम करूँ तुम्हें कोई मेरी उम्मत को कोई तकलीफ ना हो मैं उनके पहुंचने से पहले बंदोबस्त कर लूँ आप अंदाज़ा कीजिए इस लफ्ज़ में आना फ़रातलकुम कितनी रहमत पोशीदा है उम्म के लिए आकल इस्लाम की कितनी शफकत का अनसर पोशीदा है उम्म के लिए आकल इस्लाम की किस कदर महब्बत कार फरमा है वाना शहीद कम और मैं ये ना समझना कि मैं आगे जा रहा हूँ ये इशारा था कि आकल इस्लाम अलविदाई खिताब फरमा रहे थे इसी हदीस को सही मुस्लिम ने जब रिवायत किया है और सही बुखारी में भी कई रिवायात में तो से आया है एक इसमें यह भी है कि आकल इस्लाम का खिताब सुनकर सिब कराम जारो कतार रोए आंसू बह गए यूं लग रहा था सहाब कराम फरमाते हैं कि गोया आकल इस्लाम हमसे अलविदाई खिताब फरमा रहे और एक स्याबी फरमाते हैं कि हमने मिम्बर पर मस्जिद नबवी के खुतब जुम्मे के अलावा आपका आखिरी खिताब सुना आखिरी खिताब था अलविदाई था और एक ये भी लगता है कि अलविदाई खिताब भी कर रहे थे और शुद्धाएद को अलविदाई सलाम भी करने आए थे आका सलाम दुआ के साथ फातिहा के साथ तो आके फरमा रहे थे अलविदाई खिताब के क़लिमात बयान करते हुए फरतल के मैं रुखसत हो रहा हूँ तुमसे आगे तुम्हारी आखिरत में तुम्हारा इंतजाम करने के लिए जा रहा हूं तो गोया आपने ये मैसेज भी दे दिया कि मेरी रुखसत का वक्त करीब है और रुखसती का जिक्र करके फरमाया मैं आना शहीद तुम ये ना समझना कि मैं तुमसे जुदा हो गया हूँ और मेरा तुमसे कोई ताल्लुक और इलाक़ा नहीं रहा नहीं आना शहीदन जिस तरह आज इस हयात ज़ाहरी में मैं तुम पर तुम्हारे सुबह शाम के जमी आमाल अहवाल पर गवाह था और गवाह हूँ बाद क़यामत तक मैं तुम्हारे तमाम अमाल अहवाल पर गवाह रहूँगा और आदि से सैया जो पिछली नशिस्त में मैंने बयान की थी उनसे ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि आकल सलाम ने फरमाया कि बादज वफ़ात भी तुम्हारे आमाल सुबह शाम मुझ पर पेश किए जाते हैं जैसे तुम्हारा दरुद व सलाम मुझ पर सुबह शाम पेश किया जाएगा इस तरह तुम्हारे अमाल भी पेश किए जाते हैं और अगर अच्छे अमाल तुम करो तो मुझ पर पेश होते हैं मैं खुश होता हूँ और अल्लाह के हज़ू शुक्र बजा लाता हूँ अगर कोई मेरा उम्मती बुरे अमाल का मुरतकब हो गुना करे नाफरमानी करे तो फिर मुझ पर पेश होता है तो मैं गमज़दा भी होता हूँ उसके लिए और अल्लाह के हज़ूर उस उम्मत के लिए या उम्मीती के लिए बख्शिश और मफ़रत की दुआ करता हूँ शफात करता हूँ तो त। 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 मेरा जो तल्लु राहमत है तुम्हारे साथ मेरा जो तल्लु शफकत है तुम्हारे साथ मेरा जो के शहादत है तुम्हारे साथ मेरा जो के शफात है तुम्हारे साथ जू कतू बरकरार रहेगा ये मुरकत कभी नहीं होगा और फिर आपने शाह फरमाया व इन्नी वल्लांजो इला हउदी अल और फिर आपने फरमाया अल्लाह की कसम कि मैं इस वक्त क्यामत के दिन कायम किए जाने वाले मेरा जो हौज होगा हौज कोसर मैं अब इस वक्त अपनी आंखों से वह हौज कौसर को देख रहा हूं अब आप देखिए एक गोशा तो मुश्तरक चल रहा है हर हर जुमले में हर हर मौजू में और वह आकल इस्लाम का गोशा रहमत है कितने मैसेज दे रहे हैं फरतल एक मैसेज है आकल इस्लाम की मर्सी का शहीदुम आकल इस्लाम की रहमत शफकत बेपाया का दूसरा मैसेज है वहज कौसर जिससे मैं जाम भर भर के तुम्हें पिलाऊंगा और तुम्हारी प्यास बुझाऊँगा क्यामत के दिन वो मैं आज अपनी आँखों से देख रहा हूँ ये मैसेज है रहमत और शफकत और महब्बत का एक एस्पेक्ट है मगर इसमें दूसरा एस्पेक्ट अज़मत शान रिसालत माप सल्ला वसलम का भी है कि फरमाए अल आन इस वक्त देख रहा हूँ अब ये बात याद रख लीजिए हालांकि इस वक्त क़्यामत का दिन मनद नहीं हुआ क़ियामत नहीं आई बास नहीं आया अभी तक लोग कब्रों से उठकर कर योम माशर नहीं आया वो तो जब क्यामत बपा होगी योम माशर बपा होगा अल्लाह रबुल्जत के हाँ हिसाब किताब होगा तो तब जो सिरात है पुल सिरात वो भी बिछाई जाएगी मीजान भी बिछाया जाएगा तब हौज कोसर भी ज़ाहिर होगा तो क्यामत के तमाम मामला तमाम वाकयात तमाम हकायक उस वक्त रू वजूद और रूब ूर होंगे अब क़्यामत कब वाकई होती और हौज कौसर कब जाहिर होता है अब सब कुछ परद गैब में है इस वक्त खुद क्यामत भी जन्नत भी सिरात भी मीज़ान भी हौज़ कौशर भी सब कुछ जो अमूर आखिरत में से हैं और अमूर क्यामत में से हैं वो परद गैब में है मगर आकलम की शान इल्मानारफ़त शान मुशाहदा और शान शहादत का यह आलम है कि वो जो चीज़ मुस्तबिल में है अभी वजूद पजीरी नहीं हुई और जहूर पजीरी नहीं हुई सरासर गैब में है आकर सलाम फरमाते हैं कि मैं इस वक्त भी यहाँ खड़ा होकर अपने हौज कोसर को देख रहा हूँ इससे आकल इस्लाम की यह शान जाहिर होती है कि अल्लाहत ने आपको मुशाह की इतनी अजीम शान अता की है कि वह उमूर जो आलम शहादत में है वो भी आकल इस्लाम के सामने आया हैं और वो जो परद गैब में नेहा वो भी आकर इस्लाम की आंखों के सामने अया हैं ये मुकाम है आपके इल्म और इल्महादत का मुशहदा फरमाने का और फिर फरमाते हैं वह इन्नी कदूती तो मफाती या खजा इन इल अर्द ओ मफाती हल अर्द कमाकाल फरमाया कि और बेशक मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता कर दी गई हैं और एक रिवायत में अल्फाज आए आकर सलाब ने फरमाया कि मुझे ज़मीन की कुंजियाँ अता कर दी गई हैं इसमें इशारा है कि आज तुम देख रहे हो कि मेरा दीन और मेरी उम्म सरजमी मदीना तक है मक्का फतह होने के बाद देख रहे हो कि ये जो अरेबियन पेनसुला है अरब की सरजमीन है आकर सलाब ने फरमाया सरजमी अरब तक है और वह हदूद हैं तबुक वगैरह तक लेकर जो जहाँ जहाँ तक फतवाहत हो गई हैं खैबर तक तो आज तुम देख रहे हो कि मेरी उम्मत और मेरे दीन की हदूद यहाँ यहाँ तक हैं मगर नहीं इन्नी कद उती तो मफाती है ख़ज़ा इन और मफाती हर्द मुझे ज़मीन की कुंजियाँ और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अदा की गई हैं ज़मीन की कुंजियों का इशारा था उन उनतवाह की तरफ जो बाद के पूरे सौ साल तक होती रहीं और अगले कई सौ सालों तक होती रहीं जिनमें मैया का दौर भी दाखिल था फिर कुछ बनो अब्बास का था और फिर उसके बाद बादजा खिलाफत उस्मानिया का दौर आया तो उसमें फिर तोसी हुई उम्मत मुसलिमा की हदूद की तो वो फतहत दौरे खिलाफत उस्मानिया तक भी थी गोया हज़ार साल के अरसा तक शर्कता गर्ब और शिमालता जनूब अतराफ व अकनाफ आलम में जितनी फतवाहात होती रहीं एक्सपेंशन होती रही इस्लाम की सल्तनत और खिलाफत और वसी से वसी तर होती रही उस दूर तक किनारों तक आकर इस्लाम देखकर फरमा रहे हैं कि मुझे फतूहहात अर्जी की कुंजियां अता की गई हैं मेरी उम्मत को फतुहात होगी तुम गलबा पाते चले जाओगे मेरी उम्मत और मेरा दीन वसी से वसी तर होता चला जाएगा आज जो हदूत तुम्हें अरब की सरजमीन तक नजर आ रही हैं इनमें तोसी होती चली जाएगी फैलता चला जाएगा और मेरी उम्मत और मेरे दीन का फैलाव मशारे के अर्ज से लेकर मग़ार बर्ब तक जाएगा वो जो यूरोप के एक हिस्से तक गया वो जो चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तुर्कमानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों तक गया वो जो हिंदुस्तान की सरजमीन तक गया वो जो अफ्रीका तक गया वो जो पूरे एशिया तक गया आकर सलाम अपने मिंबर पर खड़े होकर उस खिताब में उन तमाम फतवाहात की हदूद की तरफ इशारा फरमा रहे हैं और दूसरा फरमाना मफाती है खजा इनअर्द ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ ये दूसरी बात एक फरमाया ज़मीन की कुंजियाँ ये इशारा तो फतवाहत की तरफ है और ये जो फरमाया खजानों की कुंजियाँ ज़मीन के अब ज़मीन के ख़जाने कौन से होते हैं वो सारी कानें हैं कहीं सोना है कहीं तेल है कहीं दीगर मुख्तलि दातें हैं तो ये जो इस, इस मुसलमानों की सरजमीन पर अरब के ख़त्े में जहाँ जहाँ बेतहाशा तेल है बेतहाशा गैस है बेतहाशा ऑयल है और आज मगरब तक की दुनिया भी उस पर निगाह लगा के बैठी है और ये पूरी जो जंग हो रही है बकाय अमन के लिए और क्याम अमन के लिए यह बकर तेल हो रही है बकरज खजा नर्ध हो रही है पूरी दुनिया में ये जो अमन के क्याम की एक आलमी जंगों के नाम पर दुनिया में फसाद बपा है एक क्यामत बपा है इंसानियत पर यह खजाएन अर्ध पर कब्जा करने की जंग है तो आकर इस्लाम ने उन खजानों की तरफ इशारा किया वो जो जमीन के सीने में खजाने दफने दफीने हैं खजीने हैं वो चाबियाँ आता की गई हैं कि मेरी उम्मत को वो ऐसे ममालिक भी होंगे कि वो खजाने भी मिलेंगे निकलेंगे और बेतहाशा दौलत होगी उस सरजमीन अरब में जो आज सहरा दिखाई देती है लक सहरा है जिसमें कोई तसवर भी नहीं कर सकता कि यहां कभी जिंदगी भी होगी उसके अंदर खजाने उगलेगी जमीन आप फिर सऊदी अरब का हाल को देख लें आप फिर अरब इमारात के हाल को देख लें आप फिर कुवैत को देख लें आप फिर इराक को देख लें आप फिर ईरान को देख लें इसी तरह बाकी अरब कंट्रीज़ को देख लें हती कि अब सूडान तक जा देखें अब ये पूरी और ये जितनी इस सदी की जंगें हैं वो सारी जंगी जंगें अमन का नाम है और ख़जानों पर कब्जा करने का काम है मगर इन खजानों का इशारा भी आकलेम ने पंद्रह सदियाँ कबल उम्मत के लिए फरमा दिया था क्योंकि उस वक्त दरअसल सूरत हाल ये थी कि उस वक्त हालात ये थे कि खाने का नहीं मिलता था जूते नहीं पहनने को मिलते थे तन ढांपने के लिए दो कपड़े एक शख्स को दरिया दस्तियाब न थे माली गनीमत में गुजारा था महदूद सी ज़रात पर महदूद सी तजारत पर तो हालात माली और माशी तौर पर बड़े इंतहाई परेशान कौन थे अब उस तर्ज ज़िंदगी में कोई तसवर कर सकता है कि इस्लाम के दौर में मुसलिम पर इतने खजाने निकल आएंगे जोर पजीर होंगे और उनके पास माली यासूदियों के इतने जराय वजूद में आएंगे ये गोया सोचना भी नामुमकिन में से था आकम उस नामुमकिन के मुमकिन बन जाने की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कुछ खबरी दे रहे और इसके बाद एक ये भी रहमत की बात खुशहाली के दिन आएंगे यह भी इजहार रहमत है आकालम का हौज कोसर देख रहा हूं जिससे तुम्हारी प्यास बुझेगी ये भी रामत का है कि अल्लाह का करम इतना है कि वो चीज मुझे आज ही दिखा दिखाई जा रही है ताकि मैं इतमान के साथ दुनिया से रुखसत हूं और फिर शायद फरमाया वल्ला माँफ वाले को मन तो शरीक उबा दी फिर फरमाया कि पांचवी चीज़ ये इन्नी वल्ला है मा खाफ़ वाले को मनतोशरीक उबा दी कि मैं दुनिया से रुखसत होते वक्त बड़ा पुरसकून और पुरन जा रहा हूं मुझे इतमान है तुमसे और अपनी उम्मत से कि जिस शिरक को मिटाने के लिए अम्बिया आलम मबूस होते रहे जिस शिरक को मिटाने के लिए मैं आया अम्बिया की बेसत और मेरी आखिरी बेसत के नतीजे में अलहमदिल्ला वो शिर मिटा दिया गया है और फरमाया अब मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं कि तुम यानी ऐसे सहाबा और ए मेरी उम्मत मेरे बा तुम दोबारा पलट कर शिरक में चले जाओगे अब मेरी उम्मत शिरक में मुबतला नहीं होगी अब साफ जाहिर है जिस तरह ये सारी खुशखबरियां ऊपर की पांच सिर्फ सिहबा कराम के लिए नहीं है पूरी उम्मत के लिए हैं इसलिए ये खुशखबरी सिर्फ उन पाँच छः में से एक को निकाल के आप सहय कराम के लिए मुख्त और महदूद नहीं कर सकते अगर आकल इस्लाम फरमा रहे हैं फरतुल्कम तो यह अमर शफात सिर्फ सिहबा कराम के लिए नहीं अब वली मुखातब तो बेशक इज्तम में सहबा कराम ही थे मगर पूरी उम्मत के लिए है तामत ता जैसा कि ये एस्टेब्लिश्ड है कुरान और सुन्नत से और से सयाह से कि पूरी उम्मत के गुनागारों के लिए आकर शफात फरमाएंगे तो ये पूरी उम्मत के लिए एहतम फरतीयत हो रहा है एहतमाम शफात हो रहा है जैसे आकलम ने फरमायाना शहीद नई कुम यह पूरी उम्मत के लिए है सिर्फ सिहाब कराम के लिए नहीं कुरान गवाजा कुम उम्मतम वसतः हमने ए उम्मत मोहम्मदी उम्मत वसत बनाया तुम्हें ताकि तुम बाकी उम्मतों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यामत तक ये जो उनकी उम्मत है उम्मत मुस्लिमा उन पर गवाह हो जाए वो यकून रसूल शहीदा तो इस तरह आका का फरत होना पूरी उम्मत के लिए है आका आकाम का शहीद होना पूरी उम्मत के लिए है हौज कोसर क्यामत के दिन कायम होना और आका का देखना पूरी उम्मत के लिए है सिर्फ सिब कराम के लिए नहीं खजानों की चाबियां मिलना मजमीन की चाबियां मिलना ये पूरी उम्मत के लिए है ये तो बतौर खास जाहिर भी ये नेमत उस वक्त हुई जब सहाबा कराम का दौर आखिर मिथा गुजर रहा था और फिर ताबेन का फिर अतबा ताबेन का और फिर उस्मानिया के दौर तक हजार साल तक इसका जहूर होता रहा तो यह भी पूरी उम्मत के लिए है तो जब सारी खुशखबरियां सारी न और सारी मुबारकबादियां आकर इस्लाम पूरी उम्मत को क्यामत तक के लिए दे रहे हैं तो यह किस तरह मुमकिन है कि जब के कता हो जाने की बात की जाए और आकर इस्लाम फरमाए कि मैं बेखौफ जा रहा हूं कि अब मेरी उम्मत में दोबारा शिरक पलट के नहीं आएगा मेरी उम्मत शिरक में मुबतला नहीं होगी इस बात का मुझे कोई खौफ नहीं तो इस हिस्सा को सिर्फ सहब कराम के लिए मुख्त और सिहब कराम के लिए मखसूस व महदूद किसी करीना और किसी एतबार से भी नहीं किया जा सकता यह तमाम शराय सारी उम्मत के लिए तमाम खुशखबरियां सारी उम्मत के लिए तमाम मुबारकबादियां सारी उम्मत के लिए हैं, रहमत और शफ़कत की सारी सूरतें और सारे मज़ाहिर पूरी उम्मत के लिए हैं सो आकर इस्लाम ने पूरी उम्मत को यह खबर सुना दी है कि अब मुझे कोई खौफ नहीं इस बात से और जब नबी फरमा दे इन्नी वल्ला है कि अल्लाह की इज्जत अल्ला की कसम अल्लाह की कसम मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं कि मेरे बाद मेरी उम्मत में पलट के शिरक वापस आएगा इसका मतलब यह हुआ कि अब उम्मत के किसी वसी तबके पर मुशरक की तोहमत लगाना उनके ऊपर अकीदे पर शिरक का फतवा लगाना आकर इस्लाम के इस फरमान नबूबत को माजल्ला गलत साबित करने के मुतरफ है सो आकल इस्लाम की उम्मत अब कभी विशाल एक दस के बाद न मुशरक हुई न हुई है न आज है न क्यामत तक शिरक उम्मत में कभी पलट के आएगा तो शिरक की जड़ हमेशा के लिए कथा कर दी गई लिहाजा हमारे यहाँ बाज़ अवकात एक बे होती है कि हम शर के फतवा लगाने में बड़े जरी होते हैं जरतमंद होते हैं बेधड़क छोटी छोटी बात पर शर के फतवे लगा देते हैं ये शिरक है ये शिरक है ये मुशर हो गए मुशरक हो गए काफिर हो गए हम बहुत जुरत के साथ वो काम करते हैं कि जिनकी करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता इसमें नहायत एहतियात होनी चाहिए कि अकल असलाम ने पॉसिबिलिटी शिर के पलट के उम्म में आ जाने की टोटली ख़त्म कर मेरी उम्मत में दोबारा शिरक नहीं होगा और मुझे तुम पर कोई खौफ है मेरी उम्मत नहीं रहा कि तुम फिर शिरक में मुबतला हो जाओगे बल्कि खौफ किस चीज का है वला के नाफ वालेकुमी हा मुझे डर इस बात का है कि तुम दुनिया के माल और दौलत की और दुनिया के फितरों में मुबतला हो जाओगे अब आप देख लीजिए जिस चीज के खौफ का इजहार फरमाया वह हो रहा है हर तरफ जो असल फितना है वह माल और दौलत और दुनिया का करप्शन का है दुनिया से मोहब्बत और प्यार का है दुनिया के हिस्सा और लालच का है इसी से डिसऑनेस्टी जन्म ले रही है इसी से सारी करप्शन की सूरतें जन्म ले रही हैं इसी से सारी लूट मार और कत्लो खारत गरी और जो कुछ बदमनी हो रही है उसकी बैकग्राउंड में दुनिया है यह दुनिया का इकतदार है यह दुनिया का जाह मनसब है यह दुनिया का दौलत है यह दुनिया की दीगर जेब और जीनत और आरइश की चीज़ें हैं ये सारी शहबात नफसानी सारी आसाइश दुनिया ये जो है ये हर किस्म के फितर और शर का सबब है आक सलाम ने फरमाया हाँ डर है तो सिर्फ इस बात का कि तुम दुनिया के फितरों में मुबतला हो जाओगे इससे बचना ये नसीहत कर रहा हूँ ये खौफ नहीं रहा कि दोबारा शिरक में पलट जाओगे अब आपने मुलाजा फरमाया कि छः खुशखबरियाँ आकलम ने बयान की इस हदीसी से मुबारक में आई हैं और छः की छः एक अतबार से आकल इस्लाम का इजहार रहमत व शफकत है उम्मत के लिए यह आपका स्टैंड है रहमत का यह आपका डेमोस्ट्रेशन है आपकी रहमत का शफकत का मोहब्बत का यही दीन का मिजाज और दीन का किरदार है इसके बाद अब एक और चीज़ आगे हदीस पाक में बयान कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आया है आक इस्लाम का ये चूँकि मुतफरक इस हिस्से में आगे चल के फिर हम मौजूद को और महदूद और मखसूस और मुतिन करते चले जाएंगे ये हज़ूर के रहमतमीन सलील वसम होने के इमूमी मज़ाहिर हैं उनका बयान है आपकी रहमत शफकत के उनके ये मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स बयान कर रहा हूँ एक और हदीस है ये प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है कि आकर इस्लाम किस तरह रहीम व शफीक थे पहले भी गुजर चुके हैं कई हदीस है जो अब कोर्ट करने में लगा इसे इमाम नसाई ने रिवायत किया अपनी सुनन में और इमाम तबरानी ने भी रिवायत किया इसको अपने मोहजब में इमाम अबू ने रिवायत किया अपने मुसनद में इमाम हाकिम ने रिवायत अल अलमस्तरक में और ये सारे आईमा ने रिजाल सही पर मबनी स्नात के साथ रिवायत किया है यजीद बिन साबित रजी ला तबियाँ रिवायत करते हैं फरमाया अन हम माँ रसूल अल्ला मज़ात यौमिन फ़र आबरन जदीदन फ़ाला मा हाजा कलू हाज ही फुल मौला तो बनी फुल आकल असरातम सिहबा कराम के हमरा एक सफ़र पर तहजीब ले गए मदीना तैयबा से बाहर निकले हम आपके साथ थे गुजरे तो रस्ते में आपने एक नई कब्र देखी जो ताज़ा ही खोदी हुई थी और नई बनी थी उस देख देख करके ये नई कब्र बनी आकर ने पूछा ये किसकी कब्र है ताज़ा कौन फोत हुआ है तो अर्ज़ किया यारसल्ला ये फ़लाँ ख़ातून है और फलाँ कबीले से है आकल असलातम को उसका तारुफ कराया गया कि क्या यारसल्ला उसकी अचानक डेथ हो गई थी वफात हो गई थी आप आराम फरमा थे जोहर के वक्त हुई और आप कैलूला फरमा रहे थे थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए तशीफ़ ले गए थे हमने आपको बे आराम करना मुनासिब नहीं समझा आपको जगाया नहीं सो हमने आपको जगाए बग़ैर इसकी नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दिया आकल असलात इस्लाम खड़े हो गए फरमाया मुझे तुमने ख़बर क्यों नहीं की मुझे इतला नहीं की क्यों नहीं की मैं सो रहा था मुझे जगाया क्यों नहीं क्या तुमने इस जनाजे को ख़ातून थी एक गुलाम बांदी ख़ातून थी एक हदीस में आता है मस्जिद नबवी की सफ़ाई करती थी आता है स्या रंग की काली थी बूढ़ी थी जयीफा थी गरीब कबीले से थी आकल इस्लाम ने फरमाया कि तुमने उसे काला गरीब कबीले की खातून समझ के उसके जनाजे के मामले को हल्का समझा उसको अहमियत नहीं दी नाराज हुए खफा हुए कि गरीब से गरीब तर फर्दी क्यों ना हो सयाह हो या सफेद किसी छोटे कबीले का हो या बड़े कबीले का मजदूर हो या मेहनत कश हो या कोई किसी का मामला किसी की मौत किसी की जिंदगी किसी की इज्जत मेरी निगाह में इस्लाम की निगाह में हल्की नहीं है बराबर दर्जे की अहमियत की हामिल है मुझे क्यों नहीं जगाया आकल इस्लाम खफा हुए सहब कराम से खड़े हुए और फरमाया सहब कराम को इसकी कब्र पर मेरे पीछे सफ़े बनाओ फ़काम रसूल सल खल्फहू व कबर अलिया अरबान अपने सहाब कराम को अपने पीछे सफों में खड़ा कर दिया और चार तकबीरों के साथ आपने उसकी कब्र पे दोबारा नमाज जनाजा पढ़ाई नमाज जनाजा पढ़ाई और जब नमाज जनाजा पढ़ा के फारग हुए तो फरमाया ला यमु मैतुन मा दुम तो बईना आजम तुमनी सलाती लहू रहा आकर इस्लाम ने फरमाया आज के बाद मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हैं एक हुम जारी फरमा दिया सुन लो कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ जब तक हयात जाहिर में हूँ कोई शख्स गरीब हो या अमीर तुम्हारी निगाह में छोटा हो या बड़ा सफेद हो या शयाह ग़ुलाम हो या आज़ाद कोई शख्स ऐसा जो सरजमीन मदीना या इस शहर में ऐसा ना हो कि जिसकी वफात हो मैं जिंदा हूँ और तुम मुझे इतला ना करो कोई हो गरीब है दिन का वक्त है रात का वक्त है जाग रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ तुम्हारा फर्ज है मुझे फौरी इतला करो ताकि मैं खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँ तो आकल इस्लाम की शफकत और रहमत का एक एस्पेक्ट है जो क्यादत के लिए मैार और किरदार का मेयार अदा कर दिया है गरीब और अमीर के इम्तियाज के सारे बुत आकल इस्लाम के फरमान ने पाश पाश कर डाले सिया सफेद के इमितियाज सारे आकल इस्लाम ने मिटा दिए छोटे बड़े के सारे नाजायज वजा किए हुए इम्तियाज आकल इस्लाम ने मिटा दिए और आपकी अजमत किरदार और अजमत शफकत रहमत का आलम यह कि दिन हो या रात तुम्हारा मुझे इतला करना फर्ज है हर शख्स की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद अगली बात जिसका ताल। ये आलम के साथ मोड ऑफ कंडक्ट दिया बिहेवियर का मैार दिया है मगर आखिरत में आपकी शफकत और रहमत का आलम फरमाया फलाती लहू रहम भाई नमाज जनाजा तो हो ही जाती है जो भी पढ़ा दे मगर मेरा नमाज पढ़ाना किसी के ऊपर नमाज पढ़ना उसके लिए ख़ुसूसी रहमत का बास होता है स्टेट हवे उसकी बख्शिश हो जाएगी जिसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ा दूँगा ये उसके लिए रहमत हो जाएगी और जिसको मेरी नमाज की वजह से अल्लाह की रहमत नसीब हो गई उसे अजाब और सवाल जवाब कभी दामनगीर नहीं हो सकता रहमत और जहमत जमा नहीं हो सकते पर मेरी नमाज उसके लिए रहमत है मेरा नमाज पढ़ाना ही शफात मकबूला है उसके लिए और ये बयान आकल इस्लाम से रिवायत की गई दूसरी हदीस में आया है जिसे हजरत अबू हुररा वो बयान करते हैं गालिबन ये दूसरा वाकया है यह आकल इस्लाम ने जो फरमाया दूसरा वाकया अबू हुरैरा रजी रिवायत करते हैं इमरा तऊदा कानतमस्जिद औाब फ़क फ़क रसूल सल्मा फसाहा

या रंग औरत थी हबशा की अफ्रीका की कोई खातून होगी अफ्रीकी हबशा की हबशी खातून थी वो मस्जिद नबवी की मस्जिद की खिदमत करती थी यह फरमाते हैं और ये यह तीसरा वाक्य भी हो सकता है कि तो वो फरमाते हैं कि एक और बात ये भी फरमाया कि वो जवान था हबशा का हबशी जवान था अफ्रीकी काले रंग का और वो खिदमत करता था मस्जिद की दो अलग अलग वाकयात भी हो सकते हैं और पहला जो कोर्ट किया वो तीसरा वाक़ भी हो सकता है तो वो आकाल इस्लाम ने देखा एक दो रोज़ से वो आए नहीं उस खातून का मुआवजरा भी ऐसा हुआ और अगर जवान था तो उसका ऐसा हुआ कि एक दो रोज़ देखा वो नहीं आए तो इस्लाम ने उस सयाह रंग की हबशी ख़ातून के बारे में पूछा कि वह खातून नहीं आई नज़र नहीं आई दो तीन रोज़ से क्या बना उन्होंने बताया या रसूल अल्लाज वसलम उसकी वफात हो गई तो फरमाया हल्ला तुम तुमने मुझे इतला क्यों नहीं की इस पर नाराज हो गया खफा हुए मुझे इतला क्यों नहीं की हजरत रजील्ला फरमाते हैं फकू अ रावी बयान करते हैं कि ऐसा लगा कि आकर इस्लाम उन्हें यह मैसेज दे रहे थे कि तुमने उसके मामले को हल्का जाना कम अहम जाना अहमियत कम समझी उसकी फिर फरमाया ले चलो मुझे उसकी कब्र पर तो सह कराम हज़ुर को उसकी कब्र पर ले गए सारे साथ गए सह कराम को सफ़ें बनवाईं आकर सलाम ने वहाँ नमाज जनाजा अदा की और नमाज जनाजा अदा करने के बाद आपने फरमाया देखो ये क़बरें त और स्याही से मामूल होती हैं ये कब्रों का अपना करेक्टर है जैसे नफ्स का एक करेक्टर है कि नफ्स औरिजिनली बुराई की तरफ रगबत दिलाने वाला बुराई की तरफ खींच के ले जाने वाला है ये उस इंसानी जो सोल है नफ्स है उसकी बेसिक औरिजनल कैरेक्टरिस्टिक है यह उसका इंकलीनेशन है बुराइयों की तरफ जाना इसी तरह फरमाया कब्र जो आप खोदते हैं बंद साफ जाहिर है जब बंद होती है तो वैसे भी अंधेरी ही होती है मगर बरसी एतबार से भी अंधेरी होती है क़ब्र जब तक उसमें रोशनी का सामान ना किया जाए वो रोशन नहीं होती तो फिर आप नेक अमाल लेके जाते हैं ईमान पुख्ता लेके जाते हैं आमाल साल लेके जाते हैं तो फिर वो इसबाब आप लेकर जाते हैं जाने वाला मैत तो उस नूर से कब्र को रोशनी मिलती है अदरवाइज वो स्याह होती है जुल्मत से भरी पड़ी होती है आकर इस्लाम ने फरमाया कि ये कबरें अपने तौर पर स्याही और तत के साथ भरी होती हैं लेकिन अगर मैं किसी पर नमाज पढ़ दूँ नमाज जनाजा या मैं किसी के लिए दुआ कर दूँ तो मेरी नमाज और मेरी दुआ से अल्लाह तबरों को नूर से भर देता है ये नूर से मामूर हो जाती है रोशन हो जाती है सियाही और चली जाती है लिहाजा आपने देखा कि एक रहमत और शफकत का की झलक आपने इस्लाम के अमल मुबारक और सुन्नत में देखी सीरत तैयब में देखी और एक रहमत की झलक उसके बरसक और आखरत के लिए फरमाई कि जब मैं दुआ कर देता हूं तो उसकी खबर नूर से मामूर हो जाती है और उस पिछली हदीस में जब आकम ने जो उहद के मुकाम पर खिताब करते हुए उनके मजारात पर ज्यारत के बाद खिताब करते हुए फरमाया उसमें इशारा इस अमर की था के मैं अपनी पूरी उम्मत के लिए उसकी शफात का सामान बनाने के लिए आगे जा रहा तो आकर इस्लाम हम वक्त फिक्रमंद हैं उम्मत की बख्शिश की यह आपकी वो रहमत है रहमत वास है आफाकी रहमत है कायनाती रहमत है दुनियावी बरसखी और उखरवी रहमत है कि कायनात और हयात इंसानी के तमाम मरहल और सारे जहान अकल इस्लाम की रहमत के साथ मामूर है इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूल इस्लाम को रहमत आलम नहीं कहा इस जहान के लिए रहमत है नहीं वमा अरसलना वार्ला कल रहमत आलमीन सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है यानी अगर तुम तो इस दुनिया में रह रहे हो तो इस दुनिया में भी हर फर्द किसी ना किसी तरीक से रहमत उम्मत जब वफात पा जाएगी तो जब तक क्यामत मुनद नहीं होती वो सारा ज़माना आलम बरजख है तो बरज के पूरे ज़हां में आकल इस्लाम आकलती किसी न किसी तरीक पर हजूर की रहमत और शफात से मतमद और फैजियाब हो रहा है जब तुम क्यामत के दिन उठ जाओगे तो रोजे क्यामत जो पचास हजार साल के दौरान कहोगा उस क्यामत के दिन हर लम्हा पर आकल इस्लाम की उम्मत भी और तमाम अंबिया की उम्मतें भी किसी ना किसी शक्ल में हजूर की रहमत और की शफात के चश्मे से सैराब हो रहे होंगे और जब तुम जन्नत में चले जाओगे तो जन्नत के अंदर भी आकल इस्लाम की रहमत के फैज जारी रहेंगे उससे दर्जात बुलंद होते रहेंगे और गुरबत इलाहिया नसीब होती रहेगी और अल्लाहत के मजीद फैज और उसके इनामा मुजस्सर आते रहेंगे हती के जो लोग अपने अमाल और बदकारी के सब दोजख में चले जाएंगे तो दो में जाने वाले मुसलमान भी हजूर की रहमत से मरूम नहीं होंगे के बाद दो के दाखिले के बाद भी कईयों को आकल इस्लाम की रहमत और शफात के सदके और सबब से दोजख से निकाल के जन्नत में भेजा जाएगा हत्ता के जो दरियान में जिसकी शफात नहीं होगी तो हर मुसलमान जिसने आकल इस्लाम का कलेमा पड़ा होगा सिद के दिल से और बतौर मुसलमान मरा होगा वो शख्स अपने मुकर्र अजाब को भुगत कर बेलाखिर शफात मोहम्मद का यह भी फैज़ है कि बेलाखिर दो से निकाल के जन्नत में भेजा जाएगा अजाब भुगतने के बाद बिल आखिर दोजक से निकाल के उसका जन्नत में चले जाना और वो जो कुफार और मश्रक होंगे जो आकेम की उम्मत में दाखिल नहीं हुए जिन्होंने हजूसलम का कलेमा तय्यबा नहीं पढ़ा सिद्ध के दिल से हजूर पर ईमान नहीं लाए वह बदस्तूर दोजक नहीं रहेंगे उन पर खलूत फिनार रहेगा वो हमेशा हमेशा दो में रहेंगे कभी निकाले नहीं जाएंगे इल्ला वो जो मुसलमान होंगे जो इस्लाम के उम्मती होंगे चूंकि उन्होंने इस्लाम पर कर का कलेमा पड़ा होगा हुजूर इस्लाम पर ईमान लाए होंगे उस ईमान के तस्क से अपने मुकररा वक्त का हिसाब देकर और मुकर्र वक्त तक अजाब भुगत कर बेलाखिर वो नहीं रहेंगे हमेशा हमेशा दो में हर एक की एक स्टेज आएगी वो अपने अजाब को भुगत कर जन्नत में मुंतकिल किए जाएंगे ये आखिर पे जहनमियों का भी उम्मत मोहम्मती में से जहनम से निकाल के जन्नत मुंतकिल किया जाना यह भी आकर सलाम की रहमत और शफात है आज की गुफ्तु यहाँ पर ख़त्म करते हैं यही मजमून यानी हजूर सलाम की आफाकी और कायनाती और दायमी और मुसलसल रहमत की मुख्तलिफ शक्लें सूरतें और मज़ाहिर ये मजमून हमारी गुफ्तु में इन शा जारी रहेगा वमा अलै ना शेख उम डर मोहम्मद ताहरूकदरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें